शिक्षा विभाग की माने तो प्री बोर्ड परीक्षाओं से बच्चों की तैयारियों का आकलन अध्यापक कर रहे हैं। उसके बाद अध्यापक उसी के आधार पर आगामी वार्षिक परीक्षाओं में तैयारी करवा रहे। उच्च शिक्षा उपनिदेशक प्रकाश चंद दीवान ने बताया कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को देखते हुए ही अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और एक अध्यापक अपनी रणनीति तैयार करके बच्चों पर इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि बच्चों को वार्षिक परीक्षाओं के चलते किसी भी तरह की परेशानी न हो। शिक्षा विभाग की माने तो प्री बोर्ड परीक्षाओं से बच्चों की तैयारियों का आकलन अध्यापक कर रहे हैं। इसके बाद अध्यापक उसी के आधार पर आगामी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। उच्च शिक्षा उपनिदेशक प्रकाश चंद धीमान ने बताया कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को देखते हुए ही अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हर एक अध्यापक अपनी रणनीति तैयार करके बच्चों पर इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि बच्चों को वार्षिक परीक्षाओं के चलते किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई प्री बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए एक काउंसलर का कार्य कर रही हैं। ये परीक्षाएं बच्चों को वार्षिक परीक्षाओं को लेकर तैयार कर रही हैं। वहीं विभाग बच्चों के प्री बोर्डी रिजल्ट देखने के बाद बच्चे को उसी विषय में तैयारी करवा रहा है जिसमें वे अधिक कमजोर है। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा उपनिदेशक प्रकाश चंद धीमान का कहना है कि प्री बोर्ड परीक्षाओं की वजह से अध्यापकों को भी बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो रही है। वहीं उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय बिलासपुर का निरीक्षण भी किया और कक्षा में जाकर बच्चों से सवाल भी पूछे गए जिसमें काफी बच्चों ने जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने पढ़ाई में कमजोर बच्चों को देखते हुए अध्यापकों को निर्देश दिए कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर ध्यान दिया जाए। जो अभी हाल में जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं हुई है 10वीं और 12वीं क्लास की, उनका जो प्री बोर्ड का एग्जाम है बच्चों के लिए, जो प्री बोर्ड की परीक्षा जो होने वाली है मार्च 2020 में, उसके लिए जो उनको एक फोबिया रहता था कि किस प्रकार हमने पेपर का हल करना है, तो उसके लिए जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं वो बच्चों के लिए परीक्षा हाल में जाने से पहले और परीक्षा का जो डर है उसको ख़त्म करने में मददगार साबित होंगे। और बच्चों को ये भी मौका मिलेगा कि हमारी जो उसमें कमी रही है उसको हम किस प्रकार आगे सुधार कर सकते हैं। और आज मैं यहाँ पर जो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर हूँ वहाँ पर उसका निरीक्षण भी कर रहा हूँ और प्री बोर्ड कक्षाओं का भी मैंने अभी तक तो प्लस टू का कक्षाओं का ही निरीक्षण किया, तो उसमें साइंस का तो बहुत अच्छा, प्री बोर्ड का परिणाम बहुत अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा इसका जो आपका प्लस टू आर्ट्स का है में थोड़ा कमी है। और बच्चों अध्यापकों का भी, इनका मैं ये मीटिंग लूँगा थोड़ी देर में, तो उनको अवगत कराऊंगा और उनको बताऊंगा कि आप किस प्रकार इसमें आगे सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।